ये जमीन को रेलवे वाला ले रहे हैं, अभी बिना सूचना दिए पूरा फसल को ये बर्बाद कर दिए। देखिए ये निकलने वाला था धान। विकास के नाम पर किस प्रकार लोगों को धोखा दिया जाता है, किस प्रकार एक अधिकारी द्वारा दबंगई दिखाकर लोगों की जमीन पर अपना अधिकार जमाया जा रहा है, आइए देखते हैं ग्राम पंचायत छोटे गुमड़ा के कटंगडीह गांव की, जहां लगभग 80 किलोमीटर भूपदेवपुर से धर्मजयगढ़ रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका यह उद्देश्य है कि यहां स्थित करोड़ों की कोयला, जिसे परिवहन सुविधा के लिए सरकार के फायदे के लिए इस रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे रेल के माध्यम से इस जगह के कोयले को ले जाकर कॉरपोरेट जगत में व्यापार किया जा सके और देश के विकास हो, चाहे वह कंपनियों के विकास हो, चाहे वह कॉरपोरेट का विकास हो, ये सोचकर लोगों को किस प्रकार धोखा दिया जा रहा है, किस प्रकार लोगों के हितों को अनदेखा कर इनके अधिकार और इनके ज़मीनों को छीना जा रहा है। सरकार के आला अधिकारियों द्वारा आकर फसल कटने के लगभग एक महीने पहले ही पूरी फसल को बर्बाद कर दिया गया है, इससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। फोकलैन चला गया है 6-7 आदमी का जमीन पे। कितना एकड़ होगा लगभग? करीबन 4-5 एकड़ तो होगा ही, तो कम से कम काटने देता हमको और ये बना लेता वो तो ज़बरदस्त एकदम 150 फोर्स ला के आया था, बिना सूचना दिए पूरा बर्बाद कर दिया। फसल मुआवजा मिल जाएगा उसमें हमको इनकार नहीं है, लेकिन पैसा को कितना दिन खाएंगे? धान होता तो बाल बच्चा साल भर खाता, एक महीना कम से कम एक महीना रुक जाइए, उसके बाद में करवा लेना, नहीं कोई मतलब नहीं है, इसमें तो हमारा परिवार गया ना। यह समस्या पूरे 65 गांव के किसानों के साथ हो रही है, कहीं पे मुआवजे की बात है, कहीं पे चौड़ीकरण की बात है, कहीं पे कम जगह का भूमि अधिग्रहण हुआ है और ज़्यादा जगह ले लिया गया है, तो कहीं पुनर्वास की समस्या का विषय हो रहा है। इसी के विषय में हम लोग लेके कलेक्टर महोदय से बात किए और अपना समस्या उनको बताया कि तो अपने फसल का नुकसान कर दिया, उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिला है अभी तक हमको। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया और बोले कि इसका मुआवजा, फसल मुआवजा दिलाएंगे। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से मुझे ये अनुरोध है कि वे वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को 94-25-53-23-80 पर फ़ोन कर दबाव बनाए, ताकि किसानों की इस समस्या को वे जल्द से जल्द सुने, कार्रवाई करें और उन्हें मुआवजा दें। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।